What's up YouTube? This is Bank System और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज मैं आ रखा हूँ देहरादून में और आज एक और हॉट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फुली कस्टमाइज बलेरो BS6। सो गाइस हाईली डिमांड में थी ये गाड़ी जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। सो गाइस आज बात करते हैं डिटेल मॉडिफिकेशन की गाड़ी के बारे में कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। होप आपको इसके सिनेमैटिक शॉट जो है पसंद आए होंगे, इसलिए वीडियो के साथ जो है एंड तक जुड़ रहे गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक करिए। मेरी आज की वीडियो रहने वाली है इस बलेरो BS6 के बारे में। सो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं कितनी शानदार जो इसकी लुक्स आ रही है। फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो गाड़ी में कुछ ऐसी खास मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं जो सिर्फ बलेरो लवर्स को जो पसंद आ रही है आजकल। तो यहां पे बात करता हूं, यहां पर जो आजकल तो स्नेक प्रिंट है वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन है, तो यहां पर वो पूरा जो है इंस्टॉल हुआ है। साइड से आप देख सकते हैं इसकी साइड प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग जो है लग रही है। देहरादून की गाड़ी है और मैं इस टाइम पर हूँ करंटली देहरादून में। वेदर एंड लोकेशन आप चेक करो, बहुत ही बढ़िया वेदर एंड लोकेशन है। आज बहुत सनी डे है, बहुत अच्छा दिन है और लोकेशन भी गाइस बहुत ग्रीन है, मज़ा आ रहा है शूट करते हुए। तो बात करते हैं यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में पूरा एक टोटल। पहले आपको एक वॉक राउंड जो है मैं करवा देता हूँ गाड़ी का चारों तरफ से। बहुत नीट एंड क्लीन है, BS6 है, लेटेस्ट एडिशन है बलेरो का यहाँ पे। तो अब बात करते हैं गाड़ी की डिटेल में, बात करता हूँ बलेरो की। तो यहाँ पर जो ये नया वेरियंट आया है बलेरो में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नया मॉडल आया है बलेरो में वो है ये BS6। इसमें जो पूरी फ्रंट जो है आपको चेंज हुई दिख जाएगी, जैसे आप यहाँ पे फ्रंट ग्रिल इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट जो है यहाँ पे फ्रंट ग्रिल है। सो कुछ यहाँ पर आपको इस टाइप के आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे जो कि हेलोजन लैम्प्स है, बट जो टोटल BS6 में जो है लैम्प है टोटली चेंज्ड है। अंदर से आप देख सकते हैं आपको थोड़ा ब्लैक जो है देखने को मिलेगा जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा खास बनाता है। सो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है यहाँ पे और मॉडिफाइड बाय रेविट्स गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रंट बम्पर है ये सिर्फ आपको अभी देखने को मिलेगा रेविट्स स्टोर चंडीगढ़ में। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक और नंबर, कॉल करके कभी भी अपनी डील क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं फ्रंट बम्पर की बात करूँ तो गाइस ऑफ रोड मेटल बम्पर है ये और काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन का है। यहाँ देखिए फुल मेटल है, साथ ही में आपको यहाँ पर येलो लाइट्स जो हैं इसके अंदर इंस्टॉल हुई दिख जाएंगी दोनों साइड में, जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा खास बना रही है। सो गाइस जो टोचन एरिया है वो यहाँ पर जो क्लिप्स दी गई हैं वो रेड कलर की हैं, वो भी कस्टमाइज है। नीचे आप क्लाइडिंग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की आपको नीचे क्लाइडिंग देखने को मिलेगी जो कि आपकी लुक्स को और बनाएगी और गाड़ी को भी सेफ बनाएगी। अगर आप ऑफ रोड पर्पज़ से जाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल आपकी यहाँ पर सेफ है। अगर मैं बात करता हूँ साइड फेंडर्स की तो गाइस गाड़ी में अभी जो साइड फेंडर्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर हमें स्टॉक देखने को मिलेंगे, बट बहुत जल्द जो इसके ओनर हैं वो इसको जल्दी से जल्दी फुल कस्टम करवाने वाले हैं। सो गाइस उसके बाद बात करता हूँ तो यहाँ पे C8 के कंपनी फिटेड 80 टायर्स लगे हुए हैं, ऑल टेरेन टायर्स। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके ओवर VMs की तो यहाँ पर नॉर्मल कंपनी फिटेड जो है ओवर VMs जो हैं गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं, अभी रैंगलर स्टाइल इंस्टॉल नहीं कराए हुए। उसके बाद बात करता हूँ डोर वाइजर्स की तो पूरी गाड़ी में रियर कैबिन तक आपको यहाँ पर डोर वाइजर जो है देखने को मिलने वाले हैं। सो ये चेक करें, बलेरो में खास लग रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं बलेरो के लुक्स को ये डोर वाइजर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बात करता हूँ फुटस्टेप की तो कंपनी फिटेड ही यहाँ पर आपको फुटस्टेप देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मेन है यहाँ पर वो है ये आजकल चल रहा है गाइस स्नेक प्रिंट वाला, पूरा यहाँ पे विनेल हम इसको बोलेंगे। सो चेक करें, ये पूरा कस्टमाइज्ड है
और कुछ अच्छी क्वालिटी का, जैसे मैं अभी हाथ लगा के फील कर सकता हूँ, कुछ अच्छा टेक्सचर जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। एक साइड पे लगाया हुआ है, दोनों साइड पे नहीं लगाया हुआ। एक साइड पे लगाने से लुक्स बहुत डिफरेंट आ रही है इसकी। रियर व्हील कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं ऊपर से, तो गाइस रूफ़ में रूफ कैरियर जो है लगा हुआ है, और कुछ स्टाइलिश जो है यहाँ पे रूफ कैरियर लगा हुआ है। कुछ आम रूफ कैरियर नहीं है, नॉर्मल स्टाइलिश आपको रूफ कैरियर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, कुछ इस टाइप की लुक्स मिलेगी आपको। सो ये जस्ट एक लुक्स के लिए जो है यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ रियर से, तो रियर प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहने वाली है यहाँ पे गाड़ी की। रियर में आपको एक स्पेयर रियर व्हील जो है देखने को मिलेगा विद ऑफ रोड ड्रम। आप यहाँ पे चेक करें, हैशटैग वाइल्ड रनर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। सो गाइज उसके बाद अगर बात करता हूँ रियर लैम्प्स की, तो रियर लैम्प्स जो है यहाँ से साइडों से आप देख सकते हैं, पूरे टोटली जो है ब्लैक में रैप्ड है। पियानो फिनिश ब्लैक जो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम, रैप्ड है। अंदर से आपको जो लाइट्स हैं वो नॉर्मल बलेरो BS6 की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बलेरो की आपको बैजिंग ज़रूर देखने को मिल जाएगी। सो गाइस उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर जो ओनर हैं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल लगा हुआ है UK Prototype 07_Overland। सो गाइस जाके ज़रूर फॉलो करिए इनके ओनर को, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऑफ रोड चीज़ें देखनी है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे लगी हुई हैं यहाँ पर। रियर में अगर मैं बात करता हूँ, तो एग्जॉस्ट टिप आप देख सकते हैं यहाँ पर, एग्जॉस्ट टिप जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। उसके बाद एक और यहाँ पर कुछ अच्छा ग्राफिक बना हुआ है UK Prototype 07 Overland के हिसाब से। गाइस जीप वाला यहाँ पर आपको ग्राफिक देखने को मिल जाएगा। स्पार्को की पिंक कलर की कुछ यहाँ पर बेल्ट जो है देखने को मिल जाएगी। काफ़ी डिफरेंट शेड है गाइस, क्योंकि बहुत कम ये शेड देखने को मिलता है, स्पार्को की पिंक कलर की बेल्ट। और यहाँ पर आपको रियर में जो है पार्किंग सेंसर्स तो गाइस मिल ही जाएंगे देखने को। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड की प्रोफाइल से, तो राइट से जो बिल्कुल डिफरेंट है लेफ्ट हैंड साइड की प्रोफाइल, क्योंकि राइट में जो है गुची का आपको स्नेक प्रिंट देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ पर आपको ऑफ रोड एडिशन का जो है विनेल कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें कि बहुत अच्छा सुंदर विनेल जो है हम इसको बोल सकते हैं, वुल्फ जो है हाउल कर रहा है। और यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है माउंटेन्स टाइप ट्रीज टाइप कुछ देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एम हॉक का बैजिंग, पावर्ड बाय एम हॉक D.75 महिंद्रा। सो यहाँ पर एक बार और इन्होंने UK 07 Prototype जो अपना इंस्टाग्राम हैंडल है वो लगाया होगा। होप आपको गाइस इसके एक्सटीरियर जो लुक है वो पसंद आई होगी। बात करते हैं अब कुछ इंटीरियर्स वगैरह की, सो लेट्स गो इन। ये रहने वाली है महिंद्रा बलेरो BS6 की कीज। तो गाइस यहाँ पर आपको ये वाली फ्लिप की आपको यहाँ पर मिलेगी। जो टेक्सचर है वो काफ़ी डिफरेंट है, आप देखिए महिंद्रा की बैजिंग के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग बलेरो की जो की बना दी है। लॉक अनलॉक और लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि गाड़ी करी मैंने अनलॉक, अब मैं आपको कुछ इंटीरियर जो है इसके एक बार ही दिखा देता हूँ। सो BS6 के इंटीरियर्स कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं गाइज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है लेदर सीट जो है इन्होंने लगवा रखी हैं। सीट कवर्स जो हैं इंटरेस्टिंग है, शानदार लुक के साथ है, मेरे को काफ़ी पसंद आए। रियर से कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पर सीट कवर जो है देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो गाइज फ्रंट में यहाँ पर आपको महिंद्रा का जो स्टेयरिंग है बलेरो का, इस टाइप का आपको स्टेयरिंग देखने को मिलने वाला है। नॉर्मल इसमें केनवुड का गाइज माउथ लगा हुआ है विदाउट एनी टच स्क्रीन डिस्प्ले। AC आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। OR VM कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गाड़ी में की लगाई, मैं आपको एक बार जस्ट OR VM जो है इसका एक बार दिखाना चाहता हूँ की लगा के किस टाइप का OR VM रहता है। तो गाइस डिजिटल OR VM हम इसको बोलेंगे। सो गाइस यहाँ पे चेक करें, स्पीड जो है आपको डिजिटल देखने को मिलेगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है अकॉर्डिंग टू बलेरो, क्योंकि बलेरो जो है काफ़ी डिफरेंट पर्पज से यूज़ होती है। यहाँ पर गाइस ये आजकल बुलडॉग जो है बहुत चल रहा है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स की गाड़ी में भी ये लगा हुआ है, और यहाँ पर इस गाड़ी में भी बहुत शानदार तरीके से कोने में जो है इसको चिपकाया गया है, और काफ़ी डिफरेंट कलर है। वैसे लगभग नॉर्मल मैंने इसको ब्लैक में ही देखा है, बट यहाँ पर जो है इसका कलर कुछ चॉकलेट ब्राउन टाइप का है, जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा डिफरेंट बना रहा है। सो गाइज बात करते हैं यहाँ पे, तो ये सारा कुछ आपको कंपनी से होया हुआ मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो चॉकलेट ब्राउन कलर की आपको कुछ देखने को मिलेगी इंटीरियर में। यहाँ पर रहता है कुछ सेंटर कंसोल गाइज गाड़ी का, हैंड ब्रेक ऑप्शन यहाँ मिलेगा, पावर विंडोज़ के ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे पुरानी स्कॉर्पियो में आपको मिलते थे गाइज यहाँ पे पावर विंडो के ऑप्शन आपको चारों जो हैं पावर विंडो BS6 में जो है देखने को मिल जाएंगे। को ड्राइवर के लिए गाइज यहाँ पर हैंडल दे रखा है पकड़ने के लिए, सेफ्टी के लिए जो हम बोल सकते हैं इसको। ग्लोव बॉक्स कुछ इस टाइप का रहेगा, स्पेशियस ग्लोव बॉक्स है गाइज यहाँ पे इसके हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से। डैशबोर्ड भी कुछ प्रीमियम क्वालिटी का और टफ डैशबोर्ड जो है आप कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इधर से अगर मैं बात करता हूँ AC पैनल्स की,
तो गाइस एसी पैनल्स के चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वही चॉकलेट ब्राउन फिनिश में आपको एसी पैनल्स देखने को मिलेंगे। जो डोर लॉक है गाइस वो थोड़े बेसिक जो है यहाँ कंपनी ने रखे हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक हम इसको बोल सकते हैं, जो पुरानी थार में जैसे आते थे उस टाइप के आपको यहाँ पे डोर ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। तो सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइस बकेट फिट आपको यहाँ पे सीट्स मिलेगी। जो बॉर्डर है इस सीट कवर का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वाइट एंड चॉकलेट ब्राउन कलर का हम इसको कॉम्बिनेशन जो है बोल सकते हैं, जो कि इसकी लुक्स को और बढ़िया बना रहा है, थोड़ी प्रीमियम फील दे रहा है गाड़ी के अंदर। सो यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर हैं प्रॉपर वाइट है। सो अब बात करते हैं रियर से। सो जैसे कि अगर मैंने रियर डोर यहाँ पे खोला तो रियर डोर में गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको सेंटर में आर्मरेस्ट जो है देखने को मिल जाएगा और कुछ इस टाइप की आपको फील आने वाली है यहाँ पे रियर से। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर बकेट फिट की बात करें तो प्रॉपर बकेट फिट में हम इसको बोलेंगे कि प्रॉपर बकेट फिट में जो है सीट कवर्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद करता हूँ रियर रो की बात, तो गाइज यहाँ पर पार्शियल रो है, रियर रो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, रियर रो में आप क्या क्या सामान जो है रख सकते हैं। और गाइस फोल्ड करके इजीली काफ़ी बड़ा बूट स्पेस हो जाता है, यहाँ इजीली दो बंदे भी बैठ सकते हैं। सो होप आपको जो है चारों तरफ से ओवरऑल जो है गाड़ी पसंद आई होगी गाइस। पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी तो यहाँ पे ऑफ रोड ड्रम जो है गाड़ी के अंदर डले हुए हैं और जो गाइस सीएट का आपको ऑल टेरेन टायर देखने को मिलेगा। जो टायर का प्रोफाइल है वो है 215/75R15 यानी 215/75R15। सो गाइस ऑफ रोड ड्रम देखिए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन ऑफ रोड ड्रम यहाँ पे डला हुआ है जो यूजुअली लोग सब डलवाते हैं। ब्लू और रेड कलर की आपको यहाँ पे आउटलाइन जो है देखने को मिलने वाली है ऑफ रोड ड्रम में। सो गाइस उसके बाद बात करता हूँ ए पिलर्स की लाइट्स की। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप की ए पिलर्स की लाइट डली हुई है। सो यहाँ पे LEDs चेक करें। सो ये LEDs देखिए, ये होप आपको इसके सिनेमैटिक शॉट्स में देख के पसंद आई होगी। LEDs में दोनों साइड यहाँ पे LEDs लगी हुई हैं। ये इसका कवर है, सो कवर मैं इसको वापस से कर देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन LED है यहाँ पे। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे, सो गाइस चेक करें 52 इंच का यहाँ पे LED बार लगा हुआ है इसमें इंस्टॉल्ड है प्रॉपर, जो कि काफ़ी ब्लिंक भी करता है। यहाँ पर फ्लिकर्स जो हैं इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। सो चेक करें आप यहाँ पर LED बार तो नॉर्मल है, साथ में फ्लिकर्स जो हैं इसके अंदर इंस्टॉल्ड रहेंगे। एक स्मॉल एंटीना आपको गाइज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो गाइज एक और फीचर हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, जैसे इसकी की के साथ यहाँ पर इसका LED बार का कंट्रोल रिमोट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं भी पहली बार ही शूट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये LED बार इस रिमोट कंट्रोल से जो ऑन हो जाती है, अगर मैं यहाँ पर आपको ऑन करके दिखाऊँ तो ये मैंने ऑन का बटन दबाया तो ऑन हो गई, ऑफ़ का दबाया तो ऑफ हो गई गाइज। सो यहाँ पर ये देखिए फ्लिकर जो हैं इसके ऑन हो जाते हैं, बाहर से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी कम देखने को मिलती है। अगर मैं ये दोनों वाले बटन दबाता हूँ तो गाइज ये थोड़ी सी स्पीड में हो गई, देखिए गाइज यहाँ पे जो इसके फ्लिकर्स हैं वो डिफरेंट मोड से जलते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि गाड़ी है जो स्विच्ड ऑफ ही है लगभग, तो इसलिए बैटरी प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है फीचर रहने वाला है। गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको ये वाली मॉडिफाइड बलेरो जो है पसंद आई होगी। गाइज डिसेंट मॉडिफिकेशन हम इसको बोलेंगे, ज़्यादा ओवर भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, एक बहुत डिसेंटली मॉडिफाइड बलेरो हम इसको बोलने वाले हैं, जो कि रोड अपीरियंस एकदम शानदार दे रही है जैसे आपने इसके सिनेमेटिक शॉट्स में देखा होगा। सो गाइज होप आपको ये वाली जो मॉडिफाइड बलेरो है ये पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको ऐसी मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक सिस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस को गाइस देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर।